हेलो एवरीवन, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। तो इस बार हम लोग इस सेशन में क्लास 12 भी हम लोग करने वाले हैं। तो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू होंगे तो आप लोग आराम से वीडियो देखिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो सकती है या जो भी आपके दिमाग में जो इंक्वायरीज वगैरह हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो आप नीचे कमेंट सेशन में कर सकते हैं। उसको मैं पूरी पूरी सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, क्लियर है। तो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है क्लास 12 के लिए ऑनलाइन यूट्यूब के लिए, क्लियर है। तो आइए देखते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट, क्लियर है। तो आराम आराम से वीडियो आती रहेंगी और सेवरल पार्ट्स में हम वीडियो बनाते हैं, और एक ही चैप्टर के सेवरल पार्ट्स होते हैं। तो इसलिए जिससे जितना आसान से आसान कॉन्टेंट हम आपको दे सकते हैं उतना हम आपको देंगे, क्लियर है। तो कोशिश ये करिएगा कि और वीडियो देखिए और क्या होता है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग आते हैं सबसे पहले दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, क्लियर है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? द डेफिनेशन इज द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड द अदर फोर्सेज दैट लाई आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट मे इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग एंड द परफॉर्मेंस, क्लियर है। जब भी आप किसी MNC में वर्क कर रहे होते हैं, किसी भी कंपनी में आप लोग काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास दो एटमॉस्फेयर होते हैं। एक कंपनी के अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा है और एक कंपनी के बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्लियर है। तो कंपनी के अंदर से मतलब नहीं, कंपनी के बाहर एक्चुअली में क्या हो रहा है, ठीक है। कैसे कैसे लोग हैं, कंपनी के राइवल्स कौन कौन है, उनके कॉम्पिटिटर में कौन कौन आता है, बाहर जो दूसरी जो कंपनीज हैं वो अपना जो एडवर्टीजमेंट वर्क कैसे कर रही हैं, उन्होंने अपना मैन पावर कैसे ला कर रखा हुआ है, उनके एम्प्लॉयज कैसे हैं, उनके एम्प्लॉयज ट्रस्ट वर्दी हैं भी कि नहीं है, ठीक है। तो कंपनी किस तरीके से वर्क ऑन कर रही है, किस तरीके से अपना ग्रोथ कर रही है, किस तरीके से अपना एक्सपेंशन कर रही है, जब कंपनी के ये बाहर के हम लोग बात करें, क्लियर है। तो कंपनी के बाहर के जो जितने भी जो सिचुएशंस वगैरह होते हैं वो कंपनी के अंदर के एटमॉस्फेयर को तुरंत अफेक्ट जरूर करेंगे, क्लियर है। तो उसको वो अंदर डिस्टर्ब करके रख देते हैं, क्लियर। इसको हम लोग एक अच्छे से एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हर एक के घर में जो बच्चे वगैरह होते हैं, वो बच्चे तो खैर भगवान का रूप होते हैं तो जब भी बच्चे जो होते हैं, जब घर के अंदर होते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनको अपने बच्चों को, हर एक बच्चे को वो एक अच्छी से अच्छी एजुकेशन और शिक्षा देना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम लोग मैनर्स एंड एटिकेट्स देना चाहते हैं, हर एक बच्चे को देना चाहते हैं। लेकिन बड़ा होते होते बच्चा जब घर से बाहर निकलना चालू होता है, जब स्कूल जाने लगता है या बाहर ग्राउंड में खेलने लगता है, जब चार लोगों से मिलने लगता है, तो उसके एक नेचर में, एक बिहेवियर में एक चेंज आने लगता है। दे यूज टू जस्ट लर्न द बैड वर्ड्स, ठीक है, बैड वर्ड्स वो लोग सीख जाते हैं, कभी कभी अब्यूसेस वगैरह भी सीख जाते हैं, ठीक है, लड़ाई करना सीख जाते हैं एंड डिबेट भी करना सीख जाते हैं, तो बहुत सारी वो चीज़ें सीखते हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि उनका जो एक ओवरऑल जो एक डेवलपमेंट है वो हो सके। क्या ये सारा जो डेवलपमेंट है, क्या आप उसको अपने घर के अंदर रख करके उसमें आप ओवरऑल डेवलपमेंट देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्लियर है। तो इसी प्रकार से हमारा एक बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। तो बिजनेस हम लोग चला तो रहे हैं, हम लोग कंपनी में काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है कंपनी के बाहर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, दुनिया है, अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, क्लियर। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आपके पास, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड एंड अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। तो हर एक ऐसा इवेंट होता है, कंपनी के बाहर ऐसा इवेंट होता है, कंपनी के अंदर भी कुछ एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स वगैरह होते हैं जो कि उसके जो वर्किंग प्रोसीजर को पूरा चेंज कर देते हैं, क्लियर है। तो ये डेफिनेशन थी आपके केथ डेविस की, क्लियर। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे द मेन फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इनके बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं, तो देयर आर न्यूमरस। तो देखते हैं, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस और जनरल एंड द स्पेसिफिक फोर्सेस। नेक्स्ट इज इंटर रिलेटेडनेस। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्सिटी आप कितनी है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, आप लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह को जब यूज़ करते होंगे, तो उस उनके जो पोर्टल, एक उनका जो क्या कहते हैं डोमेन है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। मतलब आपने उनके किसी एक पिक्चर को, प्रोडक्ट को क्लिक किया, नीचे जैसे आप आए उसमें आता है बाय नाउ का ऑप्शन। मतलब आपने पिक्चर देखी, हाँ मेरे को ये अच्छा लग रहा है, तुरंत बाय नाउ पे क्लिक किया एंड जस्ट एक दो ही स्टेप में, एक दो क्लिक में आपका ऑर्डर होता है, क्लियर है, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया।
तो मतलब इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली, तो हमें चीजों को कस्टमर के लिए इतना आसान बनाना है, इतना यूजर फ्रेंडली बनाना है कि कस्टमर सोचे ही ना मतलब उसको लेने के लिए, क्लियर, वो तुरंत से पिक कर ले। Amazon, Flipkart का जितने भी हमारे जो e-commerce वेबसाइट्स हैं या जितने भी हमारे e-commerce और शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, वो इतने ज़्यादा यूजर, मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने ज़्यादा यूजर फ्रेंडली कि इवन एक रिक्शे वाला भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है, क्लियर है। तो इतना हमें इजी बनाना पड़ेगा, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास डायनामिक अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी अक्सर कुछ भी हो सकता है, ये पैंडमिक ये क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो जितने भी हमारे जो ऑफलाइन बिजनेस वगैरह हैं, इवन ऑनलाइन बिजनेस भी हमारे इस अनसर्टेनिटी पे अफेक्ट कर रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है रिलेटिविटी, ठीक है, तो रिलेटिविटी में मतलब क्या है कि किस चीज़ को रिलेट करते हैं। अब अगर आप जैसे आपके बुक में दिया हुआ ना कि साड़ी, जो साड़ी है वो इंडियंस जो लेडीज होती है वो ज़्यादा पहनते हैं, अब वही साड़ी अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जा कर के बेचेंगे और यूनाइटेड किंगडम में जा कर के बेचेंगे तो क्या वहाँ पे कोई खरीदेगा, बिल्कुल नहीं खरीदेगा, क्लियर है। तो आपको वहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस बेचनी पड़ेगी, क्लियर है, और साड़ी आपको इंडिया में बेचनी पड़ेगी, क्लियर। तो जहाँ पे जो चीज़ सूट हो सकती है आपको वहाँ पे वही चीज़ करनी पड़ेगी, क्लियर। रिलेटिविटी हो गई आपकी, फिर आ गया मल्टी डायमेंशनल, म्यूचुअल डिपेंडेंस, डाइवर्सिटी, ठीक है, एंड नॉन कंट्रोलेबल, क्लियर है। तो ये कुछ आपके पास ये क्या है फीचर्स वगैरह है, आप इसको देख लीजिएगा, और बहुत ही आसान है, ठीक है, अराउंड 5 से 6 करने पड़ते हैं, तो दैट इज मच मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना कि बिजनेस एनवायरमेंट का एक्चुअली में इम्पोर्टेंस क्या है, क्लियर है। तो बिजनेस एनवायरमेंट हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस फर्म्स टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंट एंड द चेंजेस अकरिंग इन इट। बिजनेस एंटरप्राइजेस विच नो देयर एनवायरमेंट एंड आर रेडी टू अडैप्ट टू एनवायरमेंट चेंजेस वुड बी सक्सेसफुल एंड ऑन द अदर हैंड ओके। चलिए, तो यहाँ पे सिंपली ये दिया हुआ है कि जितना भी जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो आपके अगल बगल देखने पड़ता है। आप कोई चीज़ अच्छी बना रहे हो, ठीक है, बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है, और बाकी जितने जो जिनके लिए आप बना रहे हो उनके लिए भी बेस्ट है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप जब मार्केट में बैठे हुए तो आपके अगल बगल में कॉम्पिटिटर कौन है। अपने दुकान से बाहर तो निकलो, अपनी कंपनी से बाहर निकलो तो देखो तो कि वो क्या चेंज कर रहा है। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। सिंपली आपने नोकिया के बारे में सुना ही होगा, नोकिया मोबाइल फोन बनाता था। तो नोकिया ने क्या किया कि जब पूरी दुनिया जब एंड्रॉयड पे स्विच कर रही थी तो लेकिन नोकिया अपने उस हार्डवेयर मोबाइल पे ही फिक्स था, वो सॉफ्टवेयर पे आ ही नहीं रहता। कह रहा था भाई साहब मैं ईटा बनाता हूँ तो मैं बनाता हूँ, मेरा मोबाइल तुम 10वें माले की बिल्डिंग से फेंक दो तब भी मेरा मोबाइल असेंबल करके आप चलाओगे तो ठीक है चलेगा, ठीक है। लेकिन बाकी सारी दुनिया आपके एंड्रॉयड पर स्विच कर रही थी, बाकी सारी दुनिया आपके टच स्क्रीन फोन पे आ रही थी, लेकिन नोकिया अभी भी कह रहा था कि नहीं मेरे को ईटा ही बनाना है, ठीक है, मेरा जो मोबाइल है ना किसी को फेंक करके मार दो उसको सर टूट जाएगा, क्लियर है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती नोकिया की थी, क्लियर है। नोकिया एक इतना बड़ा एक ब्रांड बन चुका था 15-16 साल पहले, जिसे कहते नहीं कि इतना बड़ा ब्रांड, जैसे एक ट्रक हो गया था। तो ट्रक मतलब क्या है कि वो आप ट्रक हाईवे पे चला तो सकते हो लेकिन गलियों में नहीं चला सकते। ये एक ट्रक की एक खास बात भी होती है और एक इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्लियर है। वो बल्कि सामान ले सकता है लेकिन वो आप कहोगे वो घर तक पहुँच जाएगा, वो छोटी छोटी गलियों में चला है, वो नहीं हो सकता। बाकी जितनी भी कंपनीज थी, सैमसंग थी, ओप्पो थी, वीवो थी, शाओमी थी, रेडमी थी, एंड और भी बहुत सारी ब्लैकबेरी वगैरह थी, इतनी जो कंपनीज थी, अब ये सब लोग उस पर सॉफ्टवेयर पे आ रहे थे, ठीक है, वो एंड्रॉयड पे काम कर रहे थे। तो बाय द टाइम होते 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 अब ये जो कंपनी थी ये अब नोकिया को पीछा करके अब उससे भी आगे चली गई। क्यों? क्योंकि नोकिया अभी भी डटा हुआ है कि नहीं मैं ईटा बनाता हूँ, अबे तो मैं ये बनाओ ईटा तो उसमें मैं क्या करूँ। लेकिन दुनिया को तो ये नहीं चाहिए ना, दुनिया को ब्रिक नहीं चाहिए, दुनिया को मोबाइल फोन चाहिए, दुनिया को और एप्लीकेशन चाहिए, दुनिया को और पोर्टेबिलिटी चाहिए कि और वो मोबाइल में और क्या क्या कर सकते हैं। आज के टाइम पे चाहे वो आपका लैपटॉप हो और चाहे वो मोबाइल फोन हो, आपको आप दोनों में सारे काम कर सकते हो, क्लियर है। आपके पास एक बहुत 6 इंचेस का आपके पास स्क्रीन होता है,
सारा कुछ एक्सेस है, लेकिन आप लेकिन नो के मानने में नहीं तैयार है। तो यही सारी चीज़ें होती है कि जब आप कंपनी हो, इतनी बड़ी जायंट कंपनी हो, तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपके जो राइवल्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो मार्केट में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, लोगों की डिमांड क्या है, क्या आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग आप चीज़ें बना भी रहे हो कि नहीं बना रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है कि हम जो बना रहे हैं हमें अपने में तो बेस्ट होना ही होना है, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि सामने वाला क्या बना रहा है, मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। ठीक है, क्या मैं ये बना रहा हूँ तो क्या इसकी डिमांड, हम इसको मतलब कस्टमर की डिमांड है भी कि नहीं, हम सप्लाई दे रहे हैं और डिमांड ही ना है, क्लियर है। तो दैट इज वाई देयर इज अ नीड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट दैट वी शुड keep an eye to each and every aspect of the business environment so just to sustain and how we can grow and how we can just make changes in ourselves, clear है। हम लोग कुछ चीज़ें लेकर के आ रहे हैं और हम कैसे लेकर के आ सकते हैं वो हमारे ऊपर है, क्लियर है। आप देखते होंगे जब भी मॉल वगैरह जाते हैं तो क्या होता है कि शैम्पू जानते हैं ना, शैम्पू बालों में जो लगाते हैं, हाँ, तो जो शैम्पू जो होता है जो हम लोग बालों में लगाते हैं, सिंपली क्या होता है, एक पैंटीन अगर हम लोग ले लेते हैं तो पैंटीन की एक आधे आधा किलो की एक बॉटल आती है। ठीक है, अब आधा किलो की बॉटल आती है तो हम लोग ऐसा ये मान सकते हैं कि शायद कहीं 300-400 रुपये की समथिंग 500 रुपये की आती होगी, ठीक है। अब पैंटीन वाले भी अगर ये कहें कि भैया सिर्फ हम आधा किलो की बॉटल बनाएंगे, लेना है तो लो, नहीं लेना तो ना लो, तो क्या होगा, अल्टीमेटली उस पैंटीन कंपनी को ही नुकसान होगा। क्यों? बिकॉज किसी के बजट में नहीं आ रहा कि वो 500 रुपये खर्चा करके कि आधे लीटर की बॉटल लेकर के आए, क्लियर है। पैंटीन आपकी आधे लीटर की बॉटल में भी आता है, सनसिल्क आपका आधे लीटर के बॉटल में भी आता है, लेकिन वही सनसिल्क आपका पाउच में 1 रुपये में भी आता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कंपनी को मालूम है कि आधा लीटर की जो बॉटल है वो एक हमारा अमीर क्लास का आदमी, एक हाई प्रोफाइल क्लास का आदमी खरीद तो सकता है, लेकिन वो बॉटल वो एक रिक्शे वाला नहीं खरीद सकता, एक लोअर मिडिल क्लास जो गरीब आदमी वो नहीं खरीद सकता। तो कंपनी इसका बहुत ध्यान रखती है कि जो मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक बहुत ही गलियों में और हर एक एक गरीब के भी घर में जाए, क्लियर है। तो इसीलिए हम आधा लीटर की बॉटल नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन हम 1 रुपये का सैशे जरूर खरीद लेंगे, हम 1 रुपये का पाउच जरूर खरीद लेंगे, क्लियर है। तो कंपनी इस चीज़ का जरूर ध्यान रखती है कि हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग कैसे लेकर के आए। बॉर्नविटा सुना है ना, बॉर्नविटा पहले तो मिल्क पाउडर ही आता था, अब देखो बॉर्नविटा का बिस्किट भी आता है। क्या है कि बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चे दूध में भी डाल के खाते हैं, अब देखो बच्चों को इतना अच्छा लगा कि आप बच्चे बिस्किट भी खा रहे हैं, तो नहीं वो दूध पी पा रहे हैं तो चलो बिस्किट ही खा लो, क्लियर है। तो दिस इज द चेंज, दैट इज द चेंज दैट द मार्केट इज रिक्वायरिंग, क्लियर है, कि आप बच्चों को इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से खिला दीजिए, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या है कि सम ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट आर गिवन बिलो। तो सबसे पहला हमारे पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही चीज होती है, या तो यू कैन बी द फर्स्ट मूवर और यू कैन बी द फास्ट मूवर, क्लियर है। तो फास्ट आपको होना पड़ेगा, अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो आप फर्स्ट मूवर हो, वेरी गुड, स्विगी, जोमेटो, ठीक है, ये क्या है, इंडियन, सॉरी, ये क्या है, ये इंडियन ब्रांड्स है, ठीक है। लेकिन जब हमारे इंडियन ब्रांड्स है तो दे आर जस्ट मूविंग दैट मच फास्ट कि ये अब इंडिया के ब्रांड्स तो हैं लेकिन अब इंडिया तक ही नहीं रह गए, यूके भी निकल गए, यूरोप भी निकल गए, चाइना भी निकल गए, तो इतनी जगह पे निकल गए कि मतलब पूछे मत, क्लियर है। तो यहाँ पे अब ये आपको यू हैव टू द फर्स्ट मूवर, क्लियर है। ओयो रूम्स, कभी किसी ने सोचा था कि क्या ओयो रूम्स नाम की भी कोई एक चीज़ हो सकती है? कभी किसी ने सोचा था कि हम लोग क्या घर से बैठे बैठे भी खाना मंगा सकते हैं, या ओला कभी आ सकती है? ऐसा कभी किसी ने सोचा था? कभी नहीं। तो ये सब क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट मूवर है, ठीक है। तो आपको पहले करना ही पड़ेगा, अगर आप पहले नहीं कर सकते तो यू नीड टू बी द फास्ट मूवर। फास्ट मूवर जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर तो पहले पे था, लेकिन जियो अभी आया, तो जियो सीधे 4G के ही प्लेटफॉर्म पे आया। तो ऐसा क्यों, बहुत सारे थे हमारे टेलीकॉम सेक्टर्स जो कंपनी जो हमें सेलुलर डेटा या वॉइस कॉल की फैसिलिटीज देती थी, लेकिन नहीं, हमारा जब से जियो आया अब जियो ने देखो तेल का मजाक कर दिया हुआ, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ठीक है। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या होते हैं, जैसे हमने अभी आपको नोकिया का एग्जांपल दिया कि नोकिया के पास ये सिग्नल था कि भाई साहब अगर तुम एंड्रॉयड में नहीं आओगे तो आप पीछे छूट जाओगे, और यही सिग्नल वो कभी कैच नहीं कर पाए। और देखिए जितने भी जो बाकी जो आपके ओप्पो वीवो रेडमी शाओमी एंड जितने भी सैमसंग वगैरह जितने भी जो मोबाइल्स हैं, ये मोबाइल फ़ोन अब इनका मार्केट बहुत अच्छे से कैप्चर हो गया, लेकिन नोकिया आज भी बहुत पीछे चल रहा है। क्यों? कि वो सिग्नल्स को ये पहचान ही नहीं पाएगी, मार्केट में डिमांड किस चीज़ की वो उसको नहीं जान पाएगा, क्लियर है। तो वही चीज़ है कि जिस चीज़ को जो कस्टमर को आपको क्या चाहिए, ठीक है।
ठीक है, कस्टमर आपसे ये ले सकता है कि नहीं सकता, चीजें कोई खरीदता नहीं है, हमें बेचनी पड़ती है, क्लियर है। सो यू आर द कंपनी दैट यू आर गोइंग टू जस्ट असेंबल स्मार्टफोन इन सच अ वे दैट कस्टमर यूज टू जस्ट बस खरीद ले यार, वो बस उसे मोबाइल चाहिए, ठीक है। अब मोबाइल में इतने सारे उसके पास ऑप्शन है तो वो आपका ही मोबाइल क्यों खरीदेगा, ठीक है। पहले एक कैमरा आता था, फिर दो कैमरा आया, फिर आगे भी फ्रंट कैमरा भी आ गया, अब पीछे चार चार कैमरे लगते हैं, किसी किसी में पांच पांच हैं। कैन यू इमेजिन भाई साहब, मोबाइल ही है ना कि सीधे सीधे DSLR ही बना दो, क्लियर है। तो यहाँ पे कस्टमर क्या चाहिए, कस्टमर को एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी चाहिए, उसको मोबाइल के लिए भी मतलब वो गेम खेल सके, एक हैवी गेम कर सके, तो उसके लिए भी एक पोर्टेबल डिवाइस चाहिए। तो वही सारी चीज़ है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें पहचाननी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास कस्टमर फोकस, ठीक है। कि तो कस्टमर फोकस हमें करना पड़ता है, जैसे अभी हमने आपको शैम्पू का एग्जाम्पल दिया कि शैम्पू मतलब क्या होता है कि जो गरीब आदमी है वो आधा लीटर की बॉटल नहीं खरीद पाएगा, लेकिन वो पाउच जरूर खरीद लेगा जो कि आपका 1 रुपए का आता है। जो हमारे FMCG सेक्टर में आता है और ITC के आपके होटल्स वगैरह भी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वो सर्व करता है, क्लियर है। तो उसने यही सोचा कि आगे जाकर के इंडिया में हमारी हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है वो एक बूम कर जाएगी, क्लियर है। तो उसने इंडिया में भी बहुत सारे होटल्स खोले और फिर अब्रॉड में भी बहुत सारे होटल्स खोले, क्लियर है। सो दैट इज द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री विच दे केम अप विद अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेटजी दैट आर बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द इंडिया एज वेल एज इन द अब्रॉड ऑल्सो, क्लियर है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉपी विद चेंज, ठीक है। तो कॉपी मतलब कि जो आप काम कर रहे हो उसके साथ आप देखो भैया, हर एक जो चीज़ है वो आप कोई यूनिक तो नहीं कर सकते, जैसे आपका स्विगी और जोमेटो, ठीक है। स्विगी भी आपको खाना दे रहा है, जोमेटो भी आपको खाना दे रहा है, लेकिन अब क्या है कि जोमेटो कुछ चेंज के साथ आया कि भैया हम इतने में दे देंगे, हम आपको गर्म ही खाना दे देंगे, तो या ऐसा कुछ भी करके हो सकता है, ठीक है। तो कॉपी तो आप करिए लेकिन कुछ चेंज के साथ करिए। जितने भी जो स्मार्टफोन्स हैं सबका काम यही है भाई साहब, रैम वगैरह होगी उनकी, उनके पास कैमरा होगा, लेकिन आपके पास चेंज क्या है कि भैया उनका कैमरा ऐसे होता है या उनका वो वैसा है। जो ओप्पो कहता है भैया हमारा कैमरा फ़ोन है, तो रियलमी कहता है भैया हमारे पास म्यूज़िक फ़ोन है, ये फ़ोन है, वो फ़ोन है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, लेकिन हमें अगर हम कुछ अलग कर रहे हैं तो वी नीड अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ चेंज, क्लियर है। नेक्स्ट है पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज कैसी आपकी, अगर आपके जो अगर आप कुछ नया कुछ लेकर के आ रहे हो और आपकी इमेज पब्लिक में पहले से ही अच्छी है, तो नो डाउट कि आपके जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट वगैरह, अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट लेकर के आते हो तो उसको आपको ज़्यादा प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बस ये होता है कि अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट लेकर, कोई नई कंपनी है, तो जब नई कंपनी के साथ कोई भी जब चीज़ें आती हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट को में क्वालिटी रखनी होती है। नाइकी के शूज़, प्यूमा के शूज़, ठीक है, गुची के भी, क्लियर, अंडर आर्मर के आउटफिट्स वगैरह, ठीक है, नाइकी के आउटफिट्स वगैरह। तो जितने भी जो स्पोर्ट्स में होते हैं, जो नाइकी चलता है वहाँ पे अंडर आर्मर चलता है, तो प्यूमा भी चलता है, एडिडास भी चलता है। तो यहाँ पे चीज़ें क्या है कि आप खुद देख रहे हैं कि मतलब क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज होती है कि अगर आपने भाई सब खेलना है या आपने जिम जाना है, तो एडिडास भी ले लो चल जाएगा, ठीक है, प्यूमा भी ले लो चल जाएगा, नाइकी ले लो चल जाएगा, कुछ भी चल जाएगा। तो वो एक इमेज होती है हमारे दिमाग में, ठीक है, भाई साहब ये पहन के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो जिम के कपड़े आप पार्टी में तो पहन के नहीं जा सकते, क्लियर है। तो पार्टी में आपने तो सूट वगैरह ही डाला, तो वहाँ पे फिर अगर आप देखो फिर तो भैया क्या होगा, रेमंड्स वगैरह होगा, क्लियर है। तो वहाँ पे पान अमेरिका चलेगा, ठीक है, तो वहाँ पे अगर पीटर इंग्लैंड चलेगा। अब वही चीज़ है, पीटर इंग्लैंड आप पार्टी में पहन जाओगे, जिम में थोड़ी पहन जाओगे, क्लियर है। सो दैट इज द पब्लिक इमेज। नेक्स्ट है आपके पास कंटिन्यूस लर्निंग, ठीक है। तो आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, जो हर एक जो कंपनी होती है, हर एक कॉरपोरेशन, हर एक इंडस्ट्रीज, हर एक MNC, दैट इज ऑलवेज लर्निंग, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। चाहे वो आपके पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे वो आपके प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो आप हॉस्पिटैलिटी में हो, चाहे वो आप टूरिज्म में हो, XYZ जो भी इंडस्ट्री आपके दिमाग में आ रही है, आप हर जगह हर दिन कुछ ना कुछ अपनी गलतियों से भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है, अपने कुछ भी एक्सपायर हो सकते, तो हम लोग उससे हर एक चीज़ सीखते हैं, क्लियर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो फिर लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, और ऐसे ही हमारी वीडियोस आती रहेंगी। एंड जस्ट प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेटिव्स जो भी 12th क्लास में हैं, आराम से पढ़ना चाहता है। और बस आज के लिए इतने रखते हैं, टिल देन बाय बाय।